राम राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो आज है अनबॉक्सिंग डे, करते हैं अपनी सारी आइटम को अनबॉक्स। क्योंकि आप सब लोगों की एक ही कंप्लेंट थी कि भाई ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी काफी पुअर है, वीडियो जब आप मोटो व्लॉगिंग करते हो उसके दौरान। तो उसी को ठीक करने के लिए कुछ ये पैसे खर्च किए है, 5 नहीं 4 हजार का फटका लगा तुम्हारे भाई को। और 50,000 ये सब आइटम इकट्ठी करने के लिए 50,000 खर्च हो गए। वो पूरे कब होंगे उसका तो कोई पता नहीं है। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते, पहले अनबॉक्स करते हैं सारी आइटम को। और सबसे पहले करते हैं अपने GoPro Hero 8। और ये कुछ जो इसकी क्वालिटी है वो दी गई है, 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, काफी कुछ है जो अपनी पूंछ से काफी दूर है। वैसे मैं एक बार इसको चेक किया है मैंने, जब मैंने इसको लिया है और मैंने इसको खरीदा है, फ्यूचर फॉरवर्ड करके एक शॉप है लाजपत नगर दिल्ली में, वहां से उनका रेट थोड़ा सा ठीक होता है। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या आइटम आती है। देख अपना GoPro Hero 8 कुछ ऐसा लगता है देखने में, ये GoPro Hero 8। और इसके साथ जो आइटम आती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इसके मैनुअल्स हैं कैसे इसको यूज करना है, जो अपनी पूंछ से थोड़ी दूरी है जिनका अपने से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ माउंट और ये इसकी चार्जिंग केबल, डाटा केबल जो होती है, ये बस यही आइटम इसकी मिली है मेरे को, बाकी रहना खाली है। ये माउंट इसके साथ दो ही आते हैं, कि इस पे लगा हुआ है और एक ये, बाकी ये अभी करते हैं इसको, इसमें देखते हैं क्या निकलता है। और ये है स्मार्ट लेव प्लस मो, जो रोड का माइक जो हेलमेट के अंदर लगेगा। और इसकी कीमत मेरे को पड़ी है 5,500 रुपये, जो काफी कॉस्टली है। ये कुछ ऐसा दिखता है माइक, ये माइक है, ये इसकी केबल है। और ये इसके कुछ मैनुअल्स हैं जिसका मैंने दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अब करते हैं ये, और ये भी मैं फ्यूचर फॉरवर्ड दिल्ली से लिया है, जिसकी कीमत मेरे को पड़ी है 4,500 रुपये। और जो अपना GoPro Hero 8 है वो पड़ा है मेरे को 32,000 रुपये का, अगर आप अमेजोन से परचेज करते हो तो 35,000 रुपये है। ये अपना माइक अडेप्टर ऑडियो क्वालिटी के लिए, पैसा खर्च कर दिया थारे भाई ने। ऑडियो भाई अपने नए हैं वो देख रहे हैं वीडियो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग और जो क्वालिटी है उनकी जबरदस्त होने वाली है। ये कुछ सामान है इनको नीचे रख देते हैं। और ये इसका कवर है, तो केस है इसको मंगवाया है, ये पड़ा है 1,300 रुपये का। नीचे माइक अडेप्टर, ऊपर अपना GoPro, और इसके ऊपर भी एक माइक लगा सकते हो, जैसे आप कोई भी अगर रोड का या कुछ भी मोटो व्लॉगिंग के दौरान यूज कर रहे हो तो लगा सकते हो, या वैसे ही आप यूज कर रहे हो तो उसमें लग सकता है। और एक अभी करते हैं इसको, ये केबल होती है जो माइक और अडेप्टर के बीच में लगती है, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है इसको लगाने के बाद। ये वही है, और ये पड़ी है ये छोटी सी चीज 1,050 रुपये की, भाई साहब बहुत खर्चा हो रहा है। और ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये मंगाया है मेमोरी कार्ड, और सबसे लेट यही आया है, एक्सट्रीम प्रो सैंडिस्क की मेमोरी कार्ड जो मंगवाया है मैंने, और ये पड़ा है 1,642 रुपये का अमेजोन से। और आपको बता दूं जो जो आइटम मैंने अमेजोन से मंगाई है ये सारी आइटम है अमेजोन की, 3 और 1 ये 4, ये 4 आइटम है अमेजोन की। और ये 2 आइटम है अपनी लाजपत नगर दिल्ली फ्यूचर फॉरवर्ड से, और ये सारा ताम झाम इकट्ठा करने में लग गया पूरे 50,000 रुपये। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और जो इसकी रिव्यू है अपना GoPro Hero 8 कैसा लगता है चलाने में, कैसी इसकी क्वालिटी है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जैसे टाइम मिलता है।
तो उसमें अलग से आएगी वीडियो, तो उसमें पाऊंगा कि कैसी क्वालिटी है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर इसी वीडियो में डाल देता हूं तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।